भाइयों फिलहाल अपडेट ये है कि कल भी हम लोगों ने एक तरफा क्लीन स्वीप कर लिया है और आप लोगों को विन करा दिया। मैंने जो मैंने वादा पूरा किया था वो हो गया है। हार्दिक पांडे हमारे वाइस कैप्टन थे, मार्कस टोनिस हमारे कैप्टन थे, हमारी टीम में मोहसिन खान थे, हमारी टीम में नवीन उलग थे और कौन मतलब सब बढ़िया ही था। खैर मगर यार मैं नहीं जीत पाया, मेरी वो किस्मत वो थी झंडू, मैंने लास्ट मिनट में मोहसिन खान को हटा के पूरन ले लिया था। खैर चलो वो सब बातें अलग करते, फिलहाल बात करते एक और। हाँ कल भाई एक बंदे ने कॉमेंट किया मेरी वीडियो पर, बोला अनुराग भाई अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हो तो आज एक काम करो, ऐसा कर दिया करो ना कि वीडियो में आप एक ग्रैंडली की टीम दे दिया करो और बता दिया करो कैसे कैसे प्लेयर्स का रोटेशन करना है, क्या क्या प्लेयर्स चेंज करने हैं, क्योंकि स्मॉल लीग की टीम तो वही होती है फाइनल जो आप टेलीग्राम पर देते हो और लाइव शो पर देते हो। तो ग्रैंड लीग के लिए क्या होता है, जब आप टॉस की बार टीम देते हो तो हमारे पास समय कम होता है, अगर आप सुबह सुबह टीम देते हो ग्रैंड लीग की तो हम पूरे दिन भर अपने चेंजेस करेंगे, हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा और उसी हिसाब से हम लोग ग्रैंड लीग विन कर लेंगे। मैंने सोचा साला ये बुद्धि मेरे अंदर क्यों नहीं आई, ये दिमाग ये आइडिया मेरे अंदर पहले क्यों नहीं आया, मुझे इस बात की परेशानी है। बहुत ही अच्छा आइडिया था, श्रवण नाम था उस बंदे का जिसने कमेंट किया। तो ठीक है अब से क्या करूँगा, अब से मैं आपको हर वीडियो में एक जो टीम देता हूँ मैं वो टीम दिया करूँगा ग्रैंडली का कॉम्बिनेशन और उसमें आपको ये बता दिया करूँगा आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि टॉस के बाद मैं टीम दूँ ग्रैंडली की तो आपके पास 5 रन होंगे, कहाँ से बनाओगे 10 टीम, कहाँ से करोगे चेंजेस, टाइम ही नहीं होगा। बट अगर पहले से दे दूंगा तो आप लोग पूरा टाइम अपना यूटिलाइज करोगे, जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वीडियो में उस ज्ञान की बदौलत आप पूरा अपना नॉलेज पूरे मेरे मैच के प्रेडिक्शंस मेरी टिप्स का यूज़ करके बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। ठीक है तो आपसे यही करेंगे। और भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, तुम लोग बहुत आलस कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लोग जितना लाइक करोगे ना वीडियो को उतना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी लाखों लोगों की दुआ साथ में लगेगी, जब सबकी दुआ साथ में लगेगी तो हम लोग रोजाना विन करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले परसों हम लोग हारे थे फिर हम लोग कल जीते, बट अगर आप आज भी अगर आप 90,000 1,00,000 लाइक अगर कर देते हो 100% जब तक आप लोग लाइक करते जाओगे हम लोग रोज विन करते जाएंगे। ठीक है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन सब लोग दबा दो और एक एक कॉमेंट सब लोग कर दो। आप अगर कल से कुछ वीडियो में सीखना चाहते हो, कुछ आप जानना चाहते हो कॉमेंट करो, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ ना कुछ आपको बताएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है तो आई होप आप लोगों ने लाइक कमेंट कर दिया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब किए बिना ना ही आप कोई गिवअवे जीतोगे, सब्सक्राइब किए बिना ना ही आप शो देख पाओगे। अगर आपको हमारा लाइव शो देखना है जो कि टॉस से पहले 6:30 बजे शाम को स्टार्ट होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जब भी हम लाइव आएंगे हमारा शो स्टार्ट होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है तो चलो स्टार्ट करते फिर आज का वीडियो और देखते हैं भाई क्या होने वाला है आज के मैच में, किसको लेना है किसको छोड़ना है। ठीक है आई होप आप लोगों ने लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दिया होगा। तो एडिटर साहब इंट्रो लगाओ, स्वागत करो हमारा। हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बड़े का स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले आज होने वाला आईपीएल 2024 का मैच नंबर 49 जो कि होगा चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में। भाई किंग्स तो दोनों तरफ है मगर साबित ये होगा कौन किंग है तो वो भी मैच के बाद तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आज दोनों टीम्स में क्या मतलब चेंजेस हो सकते हैं, टीम न्यूज़ की हम बात करेंगे, प्लेइंग 11 डिस्कशन करेंगे, साथ में बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बाकी पिच के बारे में ज्ञान देंगे और ग्राउंड के बारे में आपको अच्छी नॉलेज देंगे ताकि आपको पता चले किस तरीके का मैच आपको देखने को मिलेगा। जैसे कल हमने लखनऊ के बारे में बोला था, हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है और लास्ट ओवर तक मैच गया था और लो स्कोरिंग मैच था, वही प्लेयर्स के आपको स्टैट्स देंगे, मतलब उन खिलाड़ियों के आपको स्टैट्स देने वाले हैं जो स्टैट्स सच में आपके काम के हैं, फालतू स्टैट्स देके आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। प्लेयर्स के मैचेस भी आपको मैं बताऊंगा कौन से खिलाड़ी को कौन सा प्लेयर कितनी बार आउट करता है ताकि उससे आपको एक आइडिया लगे कि हाँ कौन सा प्लेयर को आप कैप्टन कर सकते हो, कौन से प्लेयर को टीम में रख के रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सभी चीज़ों पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी फैंटेसी की आपको टीम भी मिलने वाली है इस वीडियो में बट वो ग्रैंड लीग की होगी और फैंटेसी की टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको कब लेना है, कौन कब सेफ है, कौन कब रिस्की है, मेरे मैच की क्या प्रेडिक्शन है, तो हर चीज़ आपको वीडियो मिलने वाली है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना शुरू से एंड तक, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो शुरू से एंड तक तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होने वाला है, ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में दोनों में आप अच्छा करने वाले हो और दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। ठीक है पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दो भाइयों कि यहाँ पर तो मैं आप लोग को एक ग्रैंड लीग की एक टीम दे दूंगा बट जो हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी जिस टीम से मैं खुद लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करता हूँ सेम टीम मैं आप लोग को टेलीग्राम पर देता हूँ फ्री। तो जिनके पास भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। बाकी अगर लिंक ना काम करे तो आप टेलीग्राम पर सर्च करो @AnuragXCricket, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा वेरीफाइड चैनल है, जाके ज्वाइन करना। 17,40,000 के आसपास लोग जुड़े, असली चैनल से जुड़ना, फेक चैनल मत ज्वाइन करना। ठीक है चलो बाकी अगर हम बात करें कल की वीडियो की गिव अवे विनर से, कल कोई भी बंदा विनर नहीं बना क्योंकि ये क्या नाम मार्कस टोनिस
और मोहसिन खान और निहाल वदेरा, ये सही जवाब थे। इन्होंने ये जो बंदे थे इन्होंने जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए थे फैंटेसी में, तो कोई भी जो बंदा जवाब दे नहीं पाया सही से, तो कल कोई विनर नहीं बना। बहुत दिन बाद ऐसा कोई वीडियो मतलब निकला जिसमें कोई विनर ना बना हो। कोई बात नहीं, आज कमा लेना, दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। और जिनको नहीं पता है, गिव अवे के बारे में बता दूं कि पूरी वीडियो में मैं आप लोगों से दो तीन सवाल पूछूंगा, उन सवालों को आपको जवाब देना है कॉमेंट करके। अगर आपका तुक्का सही बैठ गया, अगर आपने सही जवाब दे दिया, तो आप जीत जाएंगे 5,000 रुपये और कल की वीडियो में आपका नाम आ जाएगा। बस शर्त यह गिव अवे की कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो वीडियो को लाइक अभी से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दो, ताकि बाद वाला झंझट ना रहे। बाकी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़े, हम आपसे सवाल पूछे, जवाब लिखते जाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इस मैच की, सबसे पहले टीम न्यूज़ की। तो दोनों टीमें पहली बात तो अपना आखिरी मैच जीत के आ रही, चेन्नई भी डिफेंड करके आ रही है, पंजाब की टीम चेस करके आ रही, 262 रन का स्कोर, तो मेरे ख्याल से कोई चेंज दोनों टीम में नहीं होना चाहिए। हाँ, एक न्यूज़ है, शिखर धवन भाई साहब मेरे ख्याल से फिट हो गया जहाँ तक खबर मिल रही है। तो अभी आज ही मतलब मैच से पहले डिसाइड होगा कि शिखर धवन खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। अगर खेलेंगे तो किसकी जगह पर खेल सकते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा प्लेइंग 11 में, ठीक है। बाकी सिकंदर रजा ने भाई स्क्वाड छोड़ दिया क्योंकि वो नेशनल ड्यूटी पे चला गया, तो सिकंदर रजा भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये मैच मुस्ताफिजुर रहमान का आखिरी मैच होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उसके बाद मुस्ताफिजुर रहमान भी निकल लेगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते, बात करते प्लेइंग 11 की। बट प्लेइंग 11 से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि विजन 11 के बारे में बताना। जितने भी लोग नए फैंटेसी में, जो लोग विजन 11 के बारे में नहीं जानते, सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग प्लीज़ प्रॉफिट बनाओ। आप लोग खुश रहोगे, आपका घर अच्छा चलेगा तो मेरा घर चलने वाला है। तो आप लोगों के पैसे बचाने के लिए आप लोगों के, और जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग एक काम कर सकते हैं, विजन 11 का ऐप डाउनलोड करें। लिंक मैंने दे दिया विजन 11 का अपने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से जाएंगे, मेरा रेफर कोड अनुराग यूज़ करेंगे तो 100 रुपये का उनको रियल कैश मिलेगा साइनअप करने पर, जो कि रियल कैश होगा, पूरे 100 रुपये आप यूज़ भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको हर मैच में 50,000, 1,00,000 रुपये के फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट मिलते हैं, तो बिना पैसे के भी आप हर मैच यहाँ पर खेल सकते हो। ये तो 50,000 रुपये का फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट सभी के लिए, पूरी पब्लिक के लिए है। बट एक गिव अवे और है 1,00,000 रुपये का, जो सिर्फ हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए है, उसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 11 की बात। डाउनलोड कर लेना विजन 11, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। बात करें दोस्तों अगर हम प्लेइंग 11 की, पहले हम देखेंगे पंजाब की प्लेइंग 11 पर। सिमरन सिंह जॉनी बेस्ट ओपन करेंगे, 3 पैंगे रैली रसो, उसके बाद सैम करन है, सुशांत सिंह है, जितेंद्र शर्मा है, आशुतोष शर्मा है, हरप्रीत बुरार है, हर्षल पटेल, कगिसर बाडा और राहुल चहर। ये होगी प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की। अब इसमें क्या है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बॉलिंग करने आएंगे हर्षदीप सिंह, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, अगर शिखर धवन अगर वाला मैच खेलते हैं तो पंजाब की टीम ये कर सकती है कि हरप्रीत बुरार की जगह पर वो लियाम लिविंगस्टन को ला सकती है, और रैली रसो की जगह पर टॉप ऑर्डर में आ जाएंगे शिखर धवन। जब रैली रसो की जगह पर आ जाएंगे लिविंगस्टन, और हरप्रीत बुरार की जगह पर आ जाएंगे शिखर धवन। अब शिखर धवन ओपन कर जाएंगे जॉनी बेस्टो के साथ में, प्रभ सिमरन सिंह 3 नंबर पर बैटिंग कर लेंगे, उसके बाद लिविंगस्टन आएंगे, तो वो आपको वो ऑफ ब्रेक बॉलर भी है, लेग ब्रेक बॉलर भी है, तो वो स्पिन वाला डिपार्टमेंट वो संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेरे ख्याल से शायद ये चेंज हो सकता है पंजाब की टीम में अगर शिखर धवन खेलते, वरना सेम टीम रहेगी। अगर दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, ये कोई चेंज नहीं करेंगे, इनकी प्लेइंग 11 सेम रहने वाली जो लास्ट मैच में थी। गायकवाड़ रहाणे ओपन करेंगे, फिर मिचेल हैं, शिवम दुबे, मोनाली, जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, मुसाफिर रहमान, मतीशा पाथेराना, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर या तो समीर रिजवी आएंगे अगर कोलैप्स होता है, बाकी बॉलिंग करने शार्दुल ठाकुर आएंगे। तो ये होगी प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई पिच के बारे में, क्योंकि पिच के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैच होने वाला है एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, और भाई यहाँ का जो एवरेज स्कोर है वो 160 का है। लेकिन देखो पिच की बात करेंगे, पहले बात करते हैं प्रोवो के बारे में। कल भी भाइयों प्रोवो पर अच्छा खासा पैसा मैंने कमवा के दिया आप लोग को, केएल राहुल के सवाल पे, मार्कस टोनिस पे, और क्या नाम है नीचे, तिलक वर्मा, तो जल्दी आउट हो तिलक वर्मा, तो हारे थे हम लोग, और कौन सा था, और कौन, टीम डेविड। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जिनके हमने प्रेडिक्शन किए थे कि भाई ये प्लेयर 25-25 रन बनाएंगे, ये गेंदबाज 2-2 विकेट लेंगे, और वो प्रेडिक्शन सही हुए, और इनके बदौलत लाखों लोगों ने कल खूब सारा पैसा कमाया प्रोवो पर। प्रोवो पर कैसे कमाया, क्योंकि देखो जिनको नहीं पता बता दूँ, प्रोबो पर आपको 11 प्लेयर्स की टीम कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना पड़ता। यहाँ पर आपको सिंपली चल रहे सवालों के जवाब दे रहे होते हैं कमेंट करके, सॉरी कमेंट के बोल रहा हूँ, मतलब ओपनिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको हाँ या ना में आपको जवाब देना होता है प्रेडिक्शन करके। और अगर आपके अगर जवाब सही जाते हैं, अगर आपके प्रेडिक्शन सही होते हैं, तो आप प्रोबो पर दबा के पैसा कमा सकते हो। सिंपल है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैच में एक सवाल है, क्या समीर रिजवी प्लेइंग 11 में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही यूज़ किया जाएगा, तो इसमें आप नो कर सकते हो। चेन्नई की टीम क्या आज के मैच जीतेगी? अगर आपको लग रहा है हाँ तो आप इसमें यस करो, अगर आपको लग रहा है ना तो इसमें नो करो। मिचेल मार्श, ऋतुराज गायकवाड़, ब्रेव जॉनी बेस्टो, ये खिलाड़ी आपको अगर लग रहा है कि 25 रन बनाएंगे तो यस कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है नहीं बनाएंगे तो नो कर सकते हो। मैं मिचेल के 25 रन यस करूँगा, गायकवाड़ के 25 रन नो करूँगा, ठीक है। तो ये तो मेरा मतलब मेरे प्रेडिक्शन है, तो ये मतलब ऐसे है।
इस तरीके से आपको यस या नो में आंसर करना है, पैसे जीतना है। जिनके पास नहीं है प्रोबो का ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से अगर आप जाओगे तो आपको 100 रुपये का रियल कैश मिलेगा जो कि आप पूरा यूज़ कर सकते हो। तो जाइए प्रोबो का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं पिच के बारे में। भाई एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई मैच है, एवरेज स्कोर 160 का, बैटिंग के लिए अच्छी विकेट है और न्यूट्रल विकेट है बॉलिंग में, क्योंकि स्पिनर्स को भी ठीक ठाक विकेट मिलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छे विकेट मिलते हैं। बट अभी आजकल क्या है कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। बाकी डिफेंड का बायस है, जो टीम अगर पहले बैटिंग करती है वो 48 टाइम्स जीती है और चेस करने वाली टीम 33 टाइम्स जीती है। इस मैच में 180 रन की उम्मीद हम आराम से कर सकते हैं। कोई भी टीम पहले बैटिंग करे 180 रन आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव रहे इस साल अगर हम देखें स्पिनर्स अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। और स्पिनर्स को लेकिन यह कि अंडर प्रेशर सेकेंड इनिंग में विकेट मिल जाते हैं। बाकी पिच आजकल ना, क्योंकि अब पिच पुरानी हो चुकी है तो अब पिच जो है सेकेंड इनिंग में आपको थोड़ा स्लो होते हुए दिखेगी, तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट हाँ, एक चीज़ और भी है कि चांसेस हैं कि ड्यू आए, तो अगर ड्यू आएगी तो फिर जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग का फैसला लेगा, ठीक है। बाकी हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड में 28 मैच हुए पंजाब चेन्नई में, पंजाब ने बहुत तगड़ी टक्कर कर दी है भाई। 13 मैच पंजाब ने जीते हैं और 15 मैच जीते हैं चेन्नई में, तो भाई पंजाब ने बहुत ही अच्छी टक्कर दी है। अरे टक्कर दी तो कुछ भी नहीं, अभी आप जब स्टैट्स देखोगे ना तो और मज़ा आएगा। खैर बात करते हैं की स्टैट्स की, जो स्टैट्स सच में आपके काम आने वाले। बट स्टैट्स देने से पहले आपको 1,00,000 रुपये का एक और कॉन्टेस्ट बता दूँ जिसको आप फ्री में खेल सकते हो। देखो हर वीडियो में मैं आपके लिए हर मैच में एक प्राइवेट कॉन्टेस्ट बनाता हूँ जिसमें 1,00,000 रुपये का विनिंग प्राइज़ होता है और हमारी यूट्यूब फैमिली उसको फ्री में ज्वाइन कर सकती है। कैसे ज्वाइन करना है, आपको विजन 11 के ऐप पर आज मैच की टीम बनानी है और कॉन्टेस्ट वाले पेज में जाके प्राइवेट कॉन्टेस्ट या क्रिएट प्राइवेट कॉन्टेस्ट पर क्लिक करके आपको एक कोड डालना है सुपर्ब SUPERB सुपर्ब। ये जब आप कोड डालोगे तो आपको फ्री मतलब एंट्री मिल जाएगी 1,00,000 रुपये कॉन्टेस्ट में। तो सभी लोग जाइए फ्री में पार्टिसिपेट करिए, और जिनके पास नहीं है विजन 11 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कर लेना पार्टिसिपेट। अब बात करते हैं की स्टार्ट्स की। भाई सबसे पहली चीज़ ये, पंजाब की टीम ने जो पिछले जो 4 मैच हुए चेन्नई और पंजाब के बीच में, 4 के 4 मैच पंजाब ने जीते हैं, चेन्नई ने एक भी मैच नहीं जीता है, हैरान हुए। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ का जो एवरेज है पंजाब के सामने वो 30 का है, ग्राउंड पर जो एवरेज है वो 55 का है जो कि बहुत बढ़िया है। और जिनका रहने की भी एवरेज अच्छी है पंजाब के सामने 32, लेकिन ग्राउंड पर रिकॉर्ड खराब है, 15 का एवरेज है बस। बाकी डेरन मिचेल ने एक मैच खेला है पंजाब के सामने, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है बट, और इस ग्राउंड पे 5 मैच में 134 रन है, 1 विकेट है। शिवम दुबे का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बढ़िया है, ये आपको पता है, 42 का एवरेज है और 25 का एवरेज है पंजाब के सामने। रविंद्र जडेजा ने 29 मैच में 350 रन मारे हैं, 17 विकेट लिए हैं पंजाब के सामने। ग्राउंड पर 47 मैच खेले हैं और लगभग 450 रन है और 34 विकेट भी लिए हुए हैं। मुरली ने कुछ कितना खास किया नहीं अभी बट 11 मैच में 6 विकेट ग्राउंड पर हैं और 7 मैच में 4 विकेट है पंजाब के सामने। बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं कर पाए दोनों जगह। बाकी ठाकुर की परफॉर्मेंस अच्छी है पंजाब के सामने, बंदे ने 10 मैच में 17 विकेट लिए हैं और शार्दुल ठाकुर के सबसे ज़्यादा विकेट अगर किसी टीम के सामने हैं तो वो पंजाब है। बाकी ग्राउंड पर भी 7 मैच में 5 विकेट हैं शार्दुल ठाकुर के। दीपक चहर के रिकॉर्ड भी अच्छे हैं ग्राउंड पर, 18 मैच में 23 विकेट हैं और पंजाब के सामने 9 मैच में 7 विकेट हैं। मुस्तफिजुर रहमान, जिनका आज ही आखिरी मैच होगा, 5 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं पंजाब के सामने और 5 मैच में 11 विकेट ले चुके हैं इस ग्राउंड पे, जो कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। तुषार देशपांडे ने 2 मैच में 3 विकेट लिए हैं पंजाब के सामने और 13 मैच में 19 विकेट लिए हैं इस ग्राउंड पे। बाकी पाथराना ने कुछ ना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया पंजाब के सामने, एक ही मैच खेले हैं, लेकिन हाँ इस ग्राउंड पर पाथराना के पास 9 मैच में 15 विकेट हैं, ठीक है। ये हो गई भाई बात चेन्नई के प्लेयर्स की। अब बात करते हैं पंजाब के प्लेयर्स की। तो प्रभसिमरन सिंह ने चेन्नई के सामने एक मैच खेला जिसमें 42 रन स्कोर किए जो कि बहुत ही बढ़िया है और वो भी इसी ग्राउंड पर बनाए थे, ठीक है। बाकी जॉनी बेस्टो का एवरेज बहुत ही खराब है चेन्नई के सामने बट इस ग्राउंड पे एवरेज अच्छा है 42, ठीक है। और शिखर धवन का एवरेज 44 का है चेन्नई के सामने भी, ग्राउंड पर भी। राली रसो ने कुछ बैटिंग से कमाल नहीं किया चेन्नई के सामने मगर इस ग्राउंड पर एक मैच खेलें और 35 रन मारें और ये IPL के ही हैं। बाकी सैम करन जो कि पुराने प्लेयर हैं चेन्नई के, 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं चेन्नई के सामने और 2 मैच में 1 विकेट इस ग्राउंड पर भी है और साथ में 29 रन भी हैं। बाकी जितेंद्र शर्मा ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, 3 मैच में 47 रन है बस और 1 मैच में 21 रन है ग्राउंड पे और 3 मैच में 47 रन है चेन्नई के सामने। बाकी हरप्रीत बराड़ का भी रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, एक भी विकेट नहीं है 1 मैच में ग्राउंड पे और 4 मैच में चेन्नई के सामने। हर्षल पटेल ने 8 मैच खेले हैं चेन्नई के सामने, 8 मैच में 14 विकेट हैं और ग्राउंड पर 4 मैच में 11 विकेट है जिसमें 1 5 विकेट हॉल भी है, यानी 1 मैच में 5 विकेट भी ले चुके हैं इस ग्राउंड पे हर्षल पटेल। कगिसोर अवाडा के रिकॉर्ड उतने कुछ खास है नहीं, 8 मैच में 8 विकेट है चेन्नई के सामने, 3 मैच में 1 विकेट है ग्राउंड पे। राहुल चहर ने 11 मैच में 10 विकेट लिए हैं चेन्नई के सामने और 8 मैच में 12 विकेट ग्राउंड पर लिए हैं, तो इस ग्राउंड पर राहुल चहर के रिकॉर्ड अच्छे हैं। अर्शदीप सिंह ने 5 मैच में 6 विकेट लिए हैं चेन्नई के सामने और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इनके भी। अब हम बात करते हैं मैचअप्स की, ठीक है, कि भाई वो मैचअप जो सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से सुनना मैचअप्स।
भाई ऋतुराज गायकवाड़ को 3 बार आउट किया कगिसोर अबाडा ने, सिर्फ और सिर्फ 48 बॉल में, और वो भी सिर्फ 56 रन देके। तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्रगल करते रबाडा के सामने, तो कैप्टन करना रिस्की रहेगा। और ऋतुराज गायकवाड़ अर्शदीप सिंह को भी 34 बॉल में दो बार अपना विकेट दे चुके हैं और रन भी बहुत कम बनाए, सिर्फ 37। और भाई लेफ्ट आर्म पेसर दो दो हैं सामने, तो ऋतुराज गायकवाड़ फंस सकते हैं आज आपके लिए कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी शिवम दुबे ने 27 बॉलों में 33 रन मारे हैं कगिसोर अबाडा को, उनको भी 2 बार विकेट दिया है, और अर्शदीप को 2 बार अपना विकेट शिवम दुबे भी दे चुके हैं 15 बॉलों में। तो रबाडा अर्शदीप ये दो पंजाब के ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इनके बेस्ट दो बल्लेबाजों को आउट किया हुआ है चेन्नई के। बाकी मोइन अली ने अपना विकेट 2 बार दिया हर्षल पटेल को, जडेजा ने 2 बार अपना विकेट दिया है रबाडा को, महेंद्र सिंह धोनी ने 2 बार अपना विकेट दिया हर्षल पटेल को, राहुल चेहर को 2 बार, और 1 बार कगिसोर अबाडा को। और अबाडा के सामने महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्रगल भी किया, 22 बॉल में सिर्फ 10 रन है, ठीक है। और अगर बात करें आगे तो रैली रसो के सामने एक स्ट्रगल है मोइन अली। वैसे मोइन अली ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी, मगर रैली रसो के सामने करा सकते हैं, 24 बॉलों में सिर्फ 14 रन दिए और 2 बार आउट भी किया। तो ये चीज़ आपको आज देख सकती है कि रैली रसो के सामने मोइन अली बॉलिंग कराने आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, बट भाई टिप्स देने से पहले फिर से बता दूं, जिन लोगों ने भी हमारा प्राइवेट कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लो, प्राइवेट कॉन्टेस्ट का कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सुपर सिंपल सा है, 1 लाख रुपये के कॉन्टेस्ट में आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। बस विजन 11 के पर आज मैच टीम बनाओ, कॉन्टेस्ट वाले पेज में जाओ, यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे प्राइवेट कॉन्टेस्ट का या फिर क्रिएट प्राइवेट कॉन्टेस्ट का, क्लिक करना, ये कोड डालना, 1 लाख रुपये की एंट्री मतलब 1 लाख रुपये का ये मतलब प्राइस है, विनिंग प्राइस है, एंट्री आपकी फ्री हो जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। जिनके पास नहीं है विजन 11 का आप डाउनलोड कर लेना, लिंक विजन 11 का मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और रही बात हमारे गिवअवे के सवाल की, तो भाई गिवअवे का जो हमारा आज का सवाल है वो ये है कि आज के मैच में कौन से वो टॉप 3 खिलाड़ी होंगे जो फैंटेसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं। तो आज के टॉप 3 फैंटेसी प्लेयर्स का आपको नाम गेस करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जिस तरीके से मैंने ये कमेंट किया इस तरीके से ही आपको जवाब देना है, ठीक है। 1, 2, 3 प्लेयर का नाम बस, और कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, इतना ही बस लिखा होना चाहिए। तो तुक्का मारो, बताओ कौन से वो 3 खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आज देने वाले हैं फैंटेसी में, उन 3 खिलाड़ियों का नाम लिखो सही ऑर्डर में, 1, 2, 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं हम फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे, लेकिन गिवअवे की एक शर्त है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना वरना गिवअवे का प्राइज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो बंदा जीतेगा उसको 5,000 रुपये मिलेंगे, मैक्सिमम 20 विनर होंगे। अब बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, तो जॉनी बेस्टो और प्रभसिमरन सिंह दोनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे सेफ विकेट स्मॉलिंग में, ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छे हैं, चेन्नई के सामने एक मैच पहले से बना चुके हैं प्रभसिमरन भी, जॉनी बेस्टो फॉर्म में भी आ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा आपको आप ट्राई कर सकते हो पहले बैटिंग करते हुए, हालांकि बैटिंग बहुत नीचे कर रहे हैं और इनकी बैटिंग आने की गारंटी भी नहीं, क्या पता सुशांत सिंह को आशुतोष शर्मा को ऊपर प्रमोट किया जाए। बाकी महेंद्र सिंह धोनी बहुत नीचे बैटिंग करेंगे तो, और मैचेस भी बड़े तगड़े हैं, आज शायद महेंद्र सिंह धोनी डेथ में रन आपको बनाते हुए ना दिखें, तो इनको इस मॉलिंग में हम अवॉइड करेंगे। बाकी बैटिंग सेक्शन में आ जाए तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ शिवम दुबे आपके लिए सेफ पिक है, तो क्योंकि वो दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। डैरन मिचेल भी बढ़िया ऑप्शन है भाई, 3 नंबर बैटिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। बाकी रहाणे के सामने कोई बड़ा मैचअप नहीं है, तो रहाणे वैसे तो लोग रहाणे को पिक नहीं करेंगे, बट अगर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो अगर ओपन कर रहा है, ठीक है। ट्रंप प्लेयर हो सकता है आपके स्मॉलिंग में। बाकी दिल्ली की तरफ से सॉरी पंजाब की तरफ से रैली क्या यार आज हो रहा है, रैली रसो हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, इनको ग्राइंडिंग में ट्राई करना है, स्मॉलिंग में थोड़े रिस्की हो सकते हैं। सुशांत सिंह भी बढ़िया ऑप्शन है, और मतलब कि अगर पहले पंजाब टीम बैटिंग करे आप ले सकते हो अपनी स्मॉल लीग टीम में, बट एक चीज़ याद रखना चेन्नई के पास जो डेथ ओवर में जो बॉलर है वो बहुत अच्छे हैं, तो शायद उतनी ताबड़तोड़ पारी ना खेल पाए शशांक और आशुतोष शर्मा, तो इन लोग को स्मॉल लीग में अवॉइड करो ज़्यादा अच्छा है। ऑलराउंडर सेक्शन में जडेजा सैम करन दोनों मस्ट पिक हैं, लेना पड़ेगा, दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे। मोइन अली उतनी बॉलिंग नहीं कर रहा और नीचे डिमोट किया जाता है बैटिंग में, शिवम दुबे ऊपर आते हैं बैटिंग करने, तो स्मॉल लीग में जो है इनको अवॉइड करते हैं तो ही ज़्यादा सही रहेगा। अगर बॉलिंग कराने आएंगे भी तभी आएंगे जब रसो बैटिंग कर रहे होंगे, तो रसो आउट होगा उसके बाद काम खत्म, तो मुनली को अवॉइड करते हैं स्मॉल लीग में। बात करें बॉलर्स की, वह कगिसोर अबाडा पाथराना ये दोनों की गेंदबाज मस्ट पिक हैं, चाहे पहले पंजाब बॉलिंग करे चाहे बाद में पंजाब बॉलिंग करे, चाहे पहले चेन्नई बॉलिंग करे चाहे बाद में चेन्नई बॉलिंग करे, पाथराना रबाडा आपकी टीम में होनी चाहिए। बाकी हर्षल पटेल मुस्ताफिजुर रहमान अर्शदीप सिंह ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप बॉलिंग फर्स्ट कराते हुए अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और हाँ दीपक चहर भी आपके लिए सेफ पिक हैं दोनों इनिंग में, क्योंकि बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिटाई भी नहीं हो रही, जिस दिन विकेट लेके जाएगा पावर प्ले में ही 2 विकेट लेके जाएगा, तो आप दोनों इनिंग में इसको ट्राई कर सकते हो, आपके लिए अच्छा खासा ट्रंप प्लेयर होगा। बाकी राहुल चहर आपके लिए ट्रंप हो सकता है, अगर सेकंड इनिंग में पंजाब की टीम बॉलिंग कराए तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं तुषार देशपांडे शार्दुल ठाकुर में से किसी एक प्लेयर को बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई कर सकते हो, मिल गए देशपांडे को लास्ट मैच में विकेट, बट उतना अच्छा मुझे बॉलर लगता नहीं है, ठीक है। ये तो वही फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की बात। अब बात करते हैं मेरे मैच की क्या प्रेडिक्शंस हैं, फिर हम देखेंगे क्या मेरी ग्रैंड लीग की टीम है, बट प्रेडिक्शन बताने से पहले बता दूं भाई प्रेडिक्शन जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ टॉस के बाद प्रेडिक्शंस चेंज भी होते हैं,
तो हम लोग लाइव रहेंगे 6:30 बजे, हम लाइव आ जाएंगे। हमारा लाइव शो जो हुआ है फैंटेसी काउंटडाउन, वो स्टार्ट हो जाएगा 6:30 बजे। तो 6:30 बजे का अलार्म लगा लो अपने फ़ोन में, आ जाना लाइव शो देखना आके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जब हम लाइव आएंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। तो लाइव शो पे आना, आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे, आपके सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, पूरे मैच का डिस्कशन करेंगे। बहुत मज़ा आता है लाइव शो पे, समय का आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और टॉस के बाद वहीं पर हम अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाते हैं आपकी आंखों के सामने, एक एक प्लेयर का रीज़न देते हैं, क्यों किसको ले रहे हैं, क्यों किसको ड्रॉप कर रहे हैं, और आपको बहुत ही बढ़िया फ्रेश प्रेडिक्शन, फ्रेश टिप्स लाइव शो पे मिलती हैं, ठीक है। और हमारे बोल्ड प्रेडिक्शन भी मिलते हैं, तो लाइव शो पे आना जरूर, ठीक है। बाकी मैच के प्रेडिक्शन देख लेते हैं। भाई मैच प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है इस मैच में, 10 प्रेडिक्शन है मेरे। पहला प्रेडिक्शन मेरा रहेगा भाई जॉनी वेस्टो और सैम करन, ये दो खिलाड़ी रन बनाएंगे पंजाब के लिए इस मैच में, साथ में प्रभसिमरन या रसो में से कोई एक प्लेयर चलने वाला है। बाकी चेन्नई के लिए रहाणे और मिचेल, ये दो खिलाड़ी हैं जो पक्का रन बनाने वाले हैं, और बाकी इनके साथ में ऋतुराज गायकवाड़ या शिवम दुबे में से कोई एक चल सकता है, ठीक है। बाकी मोनाली अच्छी पारी खेलेगा आज, अगर चेन्नई की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो मोनाली अच्छी पारी खेलेगा, ये भी मेरा प्रेडिक्शन है। और पंजाब की टीम अगर पहले बैटिंग करती है और जितेंद्र शर्मा अगर आ जाते हैं 5 पे 6 पे, बैटिंग अगर उनकी आ जाती है तो जितेंद्र शर्मा भी आज आपको अच्छी पारी खेलते हुए दिखेंगे, कम से कम 30-35-40 रन की, ठीक है। बाकी पहले अगर चेन्नई की टीम बॉलिंग कराएगी तो पाथिराना और मुस्ताफिजुर रहमान विकेट लेंगे पहले बॉलिंग कराते हुए, साथ में जडेजा या चहर में से कोई एक आध खिलाड़ी मतलब ले सकता है एक आध विकेट। बाकी अगर सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराती है चेन्नई की टीम तो दीपक चहर और जडेजा को ज़्यादातर विकेट मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ में पाथिराना मुस्ताफिजुर रहमान भी एक दो विकेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पंजाब की टीम पहले बॉलिंग करे तो हर्षदीप सिंह पंजाब की तरफ से विकेट लेंगे, हर्षल पटेल विकेट लेंगे, साथ में जो है रबाडा को तो टीम लेना ही है। बाकी पंजाब की टीम अगर सेकंड इनिंग में मतलब बॉलिंग करेगी तो जो है राहुल चहर, सैम करन ये खिलाड़ी आपको विकेट लेते हुए, रबाडा ये खिलाड़ी आपको विकेट लेते हुए देख सकते हैं। ये मैंने लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि लिख भी दिया है और राहुल चहर का नाम नहीं लिखा था, मुझसे बोल दिया। बाकी हाँ, पंजाब की टीम अगर ये मैच अगर डिफेंड करते हुए जीतती है तो हर्षल पटेल को सेकेंड इनिंग में भी कम से कम 2 विकेट मिलेंगे, ठीक है। तो हो गए मेरे 9 प्रेडिक्शन। जो मेरा आखिरी प्रेडिक्शन है बहुत ही बड़ा है, वो ये है कि ये मैच पंजाब जीतेगी। मुझे लग रहा है ये वाला मैच चेन्नई हारेगी, पंजाब ये वाला मैच जीत जाएगी, ठीक है। और चेन्नई की भाई पावर प्ले में 2 विकेट पक्का गिरेंगे इस मैच में, ये भी एक मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है। तो चलो ये होगी भाई मेरे प्रेडिक्शन की बात। अब हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम की, तो मेरी टीम आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बट रुको टीम अभी नहीं दिखाते हैं, पहले बात करते हैं। ये जो मैंने आपको भाई खिलाड़ियों के प्रेडिक्शन दिए ना, आप फैंटेसी में क्या, अगर आपने एक प्लेयर गलत ले लिया, एक कैप्टन गलत चुन लिया तो आप हार जाते हो, है ना, आपकी ग्रैंड लीग मिस हो जाती है, आपकी स्मॉल लीग मिस हो जाती है। बट भाई आप मेरे प्रेडिक्शंस का सही इस्तेमाल कर सकते हो प्रोबो पर। भाई जिन खिलाड़ियों का मैंने बोला रन बनाएंगे उनके 25 रन आप जाके यस कर दो, 50 रन यस कर दो। जिनके बारे में मैंने बोला फ्लॉप होंगे जैसे गायकवाड़ हो गए, आप उनके 25 रन नो कर दो, सिंपल है। तो इस तरीके से इस मेरे प्रेडिक्शन का अच्छे से अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो प्रोबो पर खेलो, आराम से पैसा कमाओगे, बहुत सिंपल तरीके से कमाओगे। तो जिनके पास नहीं है प्रोबो का ऐप डाउनलोड कर लो, प्रोबो का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। मेरे लिंक से जाओगे तो 100 रुपये का आपको रियल कैश मिलेगा साइनअप करने पर, ये अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम की, तो फैंटेसी टीम आप स्क्रीन पर देख लो। इस टीम में ना ही मैंने शिवम दुबे को लिया है, ना ही मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को लिया है, मैंने वो प्लेयर्स लिए जो मुझे लग रहा है अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। ये ग्रैंड लीग की टीम है, इस टीम ये भी मेरी सेम टीम आप कॉपी करके मिनी ग्रैंड लीग में लगा देना, और ग्रैंड लीग में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ये काम कर सकते हो। किसी टीम में आपने पाथराना की जगह पर मुस्ताफिजुर रहमान को लिया, किसी टीम में आपने पाथराना की जगह पे आपने ले लिया इसको क्या बोलते हैं गायकवाड़ को, किसी टीम में पाथराना की जगह पे आपने ले लिया शिवम दुबे को, समझ लो। हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन खराब चला जाए, रहाणे फिर से आउट हो जाए, तो किसी टीम में आपने रहाणे की जगह पे दुबे ले लिया, रहाणे की जगह पे गायकवाड़ ले लिया। तो इस तरीके से आप एक एक दो प्लेयर चेंज कर सकते हो और अपनी ग्रैंड लीग टीम में एडिट कर सकते हो, ठीक है। पर जो भी करना मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि अगर मेरे प्रेडिक्शन सही गए तो 90-95% लोग हारेंगे और आप वो 5% लोगों में से आओगे जो मोटा पैसा कमाने वाले हैं, तो प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाएंगे और ग्रैंड लीग जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई देखो 30% लोग कम से कम कैप्टन करेंगे गायकवाड़ को, और गायकवाड़ मुझे लग रहा है फ्लॉप होता है। मान लो गायकवाड़ 10 रन के अंदर आउट जाता है तो 90% लोगों की टीम बर्बाद हो जाएगी, 30% लोगों के कैप्टन बर्बाद हो जाएंगे, तो आपका कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों से बचने वाला है, ठीक है। तो एक आधे प्लेयर्स चेंज करते ना, ये मत सोचना कि अनुराग भाई की ये प्रेडिक्शन ये है तो ये प्लेयर पक्का चलेगा। कोई ना कोई प्लेयर का प्रेडिक्शन तो मेरा भी गलत होगा ना, तो सभी प्लेयर्स को ड्रॉप करके अलग अलग प्लेयर लेने का ट्राई करना और 20 टीम बनाओ। 20 टीम तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर बनाते हो, अगर आप विजन 11 पर खेलते हो तो आप 30 टीम बना सकते हो। तो चेंजेस करो ग्रैंड लीग की टीम में और इस तरीके से ट्राई करो। कैप्टन वाइस कैप्टन भाई हो सके सेम रखना, क्योंकि क्या होता है अलग अलग कैप्टन वाइस कैप्टन चक्कर में ग्रैंड लीग मिस जाती है। तो कोई दो प्लेयर चुन लो जो आपको लग रहा है पक्का चलेंगे, उन्हीं प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन करो सब टीम में, ठीक है।
नहीं जीतोगे मैं कहता टॉप 10 में आओगे कोई दिक्कत नहीं, बट आओगे तो करीब तो पहुँचोगे, है कि नहीं। चलो तो ये हो गई टीम मेरी, और बाकी अगर आपको मेरी स्मॉल लीग की फाइनल टीम चाहिए तो स्मॉल लीग की मैं आपको फाइनल टीम दे दूंगा टेलीग्राम पर। तो अगर आपको मेरी टीम देखनी है टॉस के बाद, जिस टीम से मैं लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो आपको मैं अपनी स्मॉल लीग की फाइनल टीम टेलीग्राम पर दिखा दूंगा। तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर लिंक ना काम करे तो आप सिंपल है टेलीग्राम पर सर्च करना @anuragxcricket, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ब्लू टिक लगा वेरीफाइड चैनल है, 17,40,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी रही बात हमारे गिवअवे के सवाल की, तो भाई गिवअवे के सवाल मैं आपसे वीडियो में पूछ ही चुका था, तो उस सवाल का आप जवाब दो, और जो तीन मैंने जवाब मांगे उन तीनों जवाबों को सही से आंसर करना, ठीक है। मतलब 1, 2, 3 करके तीनों सब प्लेयर्स के नाम आपको सही से कमेंट करना है, और कमेंट में सिर्फ प्लेयर का नाम होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो गिवअवे का प्राइज़ नहीं मिलेगा। और अगर आप गिवअवे जीतते हो, आपने अगर वीडियो लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया तभी आपको प्राइज मिलेगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग 90,000-1,00,000 लाइक दे दोगे, दे देना प्लीज़, क्लीन स्वीप मैं करा दूंगा, उसकी दिक्कत है नहीं। आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे 6:30 बजे अपने लाइव शो फैंटेसी काउंटडाउन पे, टॉस के बाद मिलते हैं फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम पे, और कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं देखा मिस कर गए बेचारे पछताएंगे। चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।